पंजाब से हरियाणा के हिसार लौटे एक युवक ने कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं करवाया। आपको बता दें कि युवक की पत्नी ने पुलिस को एक शिकायत दी है। पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसका पति संदीप पंजाब के तलवंडी साबो से लौटा था। उसकी पत्नी उर्मिला ने उसे सिविल अस्पताल में जाकर कोरोना वायरस की जांच कराने के लिए कहा। महिला का आरोप है कि इस पर संदीप ने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ मारपीट भी की। यहां आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। पुलिस की छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी पति को अदालत में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हिसार सिविल लाइन थाने में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि महिला का पति पंजाब से आया था। हिसार निवासी महिला ने कहा कि उसका पति पंजाब के तलवंडी साबो में नौकरी करता था। उसने अपने पति को कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा था। उसकी पत्नी को अपने पति पर कोरोना को लेकर कुछ संदेश था। इस मामले को लेकर अस्पताल वालों से संपर्क किया, परंतु आरोपी पति स्वास्थ्य कर्मचारी आने के बाद भाग जाता था। थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज करके आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान इससे पहले संदीप की अस्पताल में जांच करवाई गई और सैंपल लिए गए और सैनिटाइज करवाया गया। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। ये मामला उर्मिला वाइफ ऑफ संदीप वाल्मीकि बस्ती पटेल नगर हिसार में शिकायत उर्मिला की तरफ से अपने हस्बैंड के खिलाफ आई थी। इसके हस्बैंड है बठिंडा में तलवंडी साबो में, वहाँ कोई नौकरी करते हैं और ये एक या दो दिन पहले शिकायत से घर आए थे। इनकी पत्नी ने बार बार इनको टेस्ट करवाने बारे कहा था, तो क्या हुआ कि ये बार बार टेस्ट कहने के बावजूद भी टेस्ट नहीं करवा रहे थे। इसके बाद इन्होंने एक या दो बार अपने बिहाफ के ऊपर हॉस्पिटल से भी संपर्क करने किया, तो हॉस्पिटल वाले जब एक या दो बार आए तो ये भाग जाता था वहाँ से। और इसकी पत्नी को पूरा डाउट था इस बात के लिए कि मेरा हस्बैंड हो सकता हो पॉजिटिव ना हो, आशंका थी उनको। जब वो बार बार टेस्ट के लिए कह रही थी तो इसके हस्बैंड ने इसके साथ झगड़ा भी किया, इसको जान से मारने की धमकी भी दी और मारने की कोशिश भी करी। इस शिकायत के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया था। उसका हॉस्पिटल में सैम्पलिंग करवाई गई, प्राइमरी मेडिकल जो होता है कोरोना का, वो प्राइमरी मेडिकल करवाया गया, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया गया और प्रॉपर तरीके से ही केस अदालत किया गया, जो बंद जुडिशियल करवा दिया गया है। और जुडिशियल बंद के दौरान वहाँ ड्यूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को भी इस बारे में अवगत करवाया गया था, इसकी सैंपलिंग करवाई गई है और सैंपलिंग की रिपोर्ट जब भी आ जाएगी सिविल हॉस्पिटल में, तो सैंपलिंग की रिपोर्ट से हम खुद भी अवगत होना चाहेंगे और जेल प्रशासन भी अवगत होगा। ये IPC की सेक्शन 188, 505, 506, 323 और 54 डिजास्टर मैनेजमेंट में दर्ज किया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.